एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ रश्मि फूड प्लाजा में। तो आज की रेसिपी जो मैं आज आप सभी के सामने लाने वाली हूँ वो है आलू टिक्की बर्गर, जिसके सुनते ही बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा क्योंकि आलू टिक्की बर्गर मतलब बाहर जाके खाना। तो अब हम इसको करते हैं अवॉइड, बनाते हैं घर में बिल्कुल साफ सुथरा और हाइजीन से और खाते हैं आलू टिक्की बर्गर। अगर आप चाहो तो बन जो है वो आटे का भी आता है, तो जिनको मैदा नहीं पसंद वो आटे का बन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर से लाके, और बहुत इजीली अवेलेबल होता है किसी भी जनरल स्टोर में या ऑनलाइन। आप ऑर्डर करके आटे का बर्गर मंगा के वो आलू टिक्की आटे के पाव में भी खा सकते हैं। अब हम ज्यादा आपका समय जाया नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और एक टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, ये मैंने लहसुन को बारीक काट लिया है एक टेबलस्पून, एक हरी मिर्ची मैंने काट लिया है, 1/4 कप हरा मटर इसको मैंने बॉईल किया है, 1/4 कप गाजर को मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है, 1/4 कप बीन्स लिया है मैंने और एक प्याज चॉप किया है मैंने। सब्जियों को बहुत ही बारीक से चॉप करें। और ये पोहा है, मैंने पोहा को पानी में सोक करने के लिए रखा था ताकि ये बाइंडिंग में हमें काम आए, और आप इसे इस तरह से मैश कर दें। और ये दो बॉईल आलू लिया है मैंने। अब हम चलते हैं प्रोसेस की ओर। ये मैंने गैस में एक टेबलस्पून ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल, इसमें डालेंगे बटर को मेल्ट करेंगे। अब हम डालेंगे ये एक चॉप किया हुआ प्याज और ये गार्लिक एक टेबलस्पून। प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, 1 मिनट के लिए हम इसे बस भूनेंगे और हम हाई फ्लेम में बनाएंगे। जब हम स्पाइसेस डालेंगे तब हम इसका फ्लेम कम कर देंगे, अभी हम इसको हाई फ्लेम में भूनेंगे। अब हम सारे वेजेस को हम इसमें डाल देंगे हाई फ्लेम में, 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। ये मैंने बहुत ही अच्छे से सब्जी को भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस, उसके लिए हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब हम ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसकी हेल्प से आलू को कद्दूकस करेंगे, और छोटे वाले होल से ना करें, जो बड़े वाले होल आते हैं उससे करें। ये मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैं नीचे की ओर दबा के बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी सारी चीजों को। बाइंडिंग के लिए आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, पर मैं ये सोक किया हुआ 2 टेबलस्पून पोहा है हम इसको मिक्स कर देंगे। तीन टेबलस्पून मैदा लिया है मैंने। अब हम इसमें लेंगे 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम पेस्ट बनाएंगे। हमारा जो ये मिश्रण है वो रेडी है। हमें ऐसा कंसिस्टेंसी रखना है ताकि हम इसमें आलू कटकी जब डालें तो वो बहुत ज्यादा पतला ना हो। और ये मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स, इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है, और हम डालेंगे बिल्कुल 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आलू टिक्की की तरफ। तो हम पहले टिक्की बना लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला जो बिल्कुल ठंडा हो गया है, और आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में डाल दें ताकि वो सेट हो जाए। तो ये मैंने ले लिया है। अब हम इसको राउंड करेंगे। ये देखिए हमारी जो टिक्की है वो बनके रेडी हो गई है। जो टिक्की है वो बर्गर से छोटा होना चाहिए, तो हम पहले साइज चेक करेंगे, बिल्कुल सही साइज है क्योंकि हम जो कोटिंग करेंगे उसके बाद ये थोड़ा और भी बड़ा होगा। तो अब हम चलते हैं लेयरिंग की ओर। ये देखिए अब हम इस टिक्की को हम अपने इस बैटर के अंदर डालेंगे, हम इसको पूरा कोट करेंगे अच्छे से। अब हम इसको ऐसे उठाएंगे और हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। हम इसको ऐसे पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स होगा हम इसको ऐसे निकाल देंगे। अब हम इसको तल लेंगे। ये मैंने तेल को गर्म कर लिया है, और जो टिक्की मैंने बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, और हमें टिक्की को ब्राउन करना है।
तो आपने देखा मेरा आलू टिक्की बर्गर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं वेट कर रही हूँ जाके खाने का। अभी अपना समय जाया ना करें, ये आलू टिक्की बर्गर बैचलर भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। पर अगर आप घर के खाने और अच्छे खाने खाना है तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कि आपको ये बर्गर बाहर के बर्गर से अच्छा लगा कि नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, रश्मि फूड प्लाजा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।